मेरा नाम अविनाश और आपका कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स में स्वागत है। ये क्वेश्चन इंडिफिनिट इंटीग्रेशंस का है। हम लोग इसको सीरीज़ में इंटीग्रेशंस के सारे बेसिक से लेकर के जितने भी हाई लेवल के क्वेश्चंस हो सकते हैं जो कॉम्पिटिशन्स और एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आते हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। सो इस लेवल के क्वेश्चन को इंटीग्रेट अगर करना हो तो सबसे पहले हम लोग बेसिक में आते हैं कि इंटीग्रेशंस ये जो एल्जेब्रिक टर्म्स है अदरवाइज ये जो एक्सप्रेशंस है वो कितने पार्ट में डिवाइड है, 1, 2 और 3। तो सभी का डिफरेंट पार्ट का हम सेपरेट इंटीग्रेशंस निकालेंगे प्लस इंटीग्रेशन अप टू डीएक्स, थ्री अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गया। सिंस कांस्टेंट टर्म्स का इंटीग्रेशंस होता नहीं है तो वो आपको आउटसाइड में हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, -7 इंटीग्रेशंस साइन एक्स डीएक्स प्लस 2 आउटसाइड में हो जाएगा एंड डीएक्स। इंटीग्रेशन में जो फॉर्मूला होता है इसको जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं वेरिएबल को एक्स को तो इसका जो पावर होता है वो ऐड हो जाता है और वही चीज़ यहाँ पर डिनोमिनेटर में डिवाइड हो जाता है। कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस 2 इंटू इंटीग्रेशन डीएक्स, ये आपका एक्स होता है। अब इस टर्म्स को हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3/6 इंटू एक्स टू द पावर 6 प्लस 7 कॉस एक्स प्लस 2x, और लास्ट में सी ऐड कर लेते हैं बिकॉज दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू इंडिफिनिट इंटीग्रेशंस।